हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि मैंने सुबह ही वीडियो बना के बताया कि कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पलामू की तरफ से फॉर्म निकल के आ रहा है, मतलब मनरेगा के तहत। सुबह ही मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, और देखो इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया। आप जब आप plamu.nic.in पे जाओगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब जो इसको डिटेल फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं इसको डिटेल में समझ लेता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप लोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको मनरेगा के तहत हुआ, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या 1/2023 है, जो कि सुबह आप लोगों का पेपर कटिंग के माध्यम से बताया कि ये फॉर्म आने वाला है। तो सुबह सुबह जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था, पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, पदों की विवरणी, आप लोगों का पद निम्न वर्ग है, ठीक है, तो समझ लेते हैं। देखो ये क्रम संख्या है, ये पद नाम है, ये जनरल का है, ये जो आप लोग का अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, ये OBC, ये भी OBC का 1, ये OBC का 2, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को बोलते हैं, और यहाँ पे कुल पद तो समझ लेते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जनरल का कोई पोस्ट नहीं है, SC का 2 पोस्ट है, ST का 1 पोस्ट है, मतलब SC का 2 पोस्ट है, ST का 1 पोस्ट है, ठीक है। OBC का जो है आप लोग का BC का भी पोस्ट नहीं है, और BC 2 में भी पोस्ट नहीं है। यात्री रूप से पोस्ट, टोटल पोस्ट की बात करें 3 पोस्ट है। इस तरह से आप लोग तकनीकी सहायक अभियंता की समकक्ष की बात करें, तो देखो टोटल पोस्ट इसका भी 3 पोस्ट है, जिसमें एक जनरल का, एक SC का और एक ST का नहीं है, OBC 2 का है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो सीट, टोटल सीट की बात करें तो 18 पोस्ट पे ये फॉर्म निकल के आ रहा है, ठीक है, जो कि मनरेगा के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा ये फॉर्म, ठीक है। देखो भविष्य में घट बढ़ सकती है, ठीक है, संख्या। अब देखो यहाँ पे बताया गया, देखो अलग अलग शैक्षणिक योग्यता बताया गया, तीसरा नंबर पॉइंट पे आओगे तो शैक्षणिक योग्यता आप लोग बताया गया। देखो जो आप लोग को जितना कितना टाइप से पोस्ट था, देखो 6 टाइप का पोस्ट था, ठीक है, तो पूरा 6 टाइप का पोस्ट को आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर दिए, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तो अनिवार्य योग्यता इसका क्या है, देखो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी शाखा एवं विषय से स्नातक में ग्रेजुएशन में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण यदि हो, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा देखो सामान्य स्नातक, मतलब जो जनरल होता है, तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठान उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम हो। लेकिन देखो आप लोग जो ग्रेजुएशन में आप लोग का 55% कम हो, परंतु वो स्नातकोत्तर PG लेकिन आप लोग मतलब उत्तीर्ण हो, तो वो भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वो भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिशत में समतुल्य स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 अंक घटा दिया जाएगा, तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा, यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। ये लोग का रूल है, तो आप लोग सिंपल यदि ग्रेजुएशन 55% हो तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यदि आप लोग ग्रेजुएशन के साथ यदि 55% से कम हो, तो आप लोग यदि PG किए होंगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग देख पा रहे हो आप लोग क्वालिफिकेशन दिया गया है। ये दूसरा नंबर पोस्ट है, तकनीकी सहायक सहायक अभियंता के समकक्ष में अनिवार्य योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल शाखा में BA या BTEC अनिवार्य योग्यता। इसके अलावा देखो ये बताने भूल गया आप लोग, देखो यहाँ पे देखो देख पा रहे हो, यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता बताया गया, तो इनमें से कोई अतिरिक्त योग्यता होता है तो भी आप लोग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। देख पा रहे हो MBA PG DBA, तो अपने मुताबिक देख लेना, कुछ भी आप लोग का इसमें से होगा, देखो बहुत सारा है, तो आप लोग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आप लोग का क्या होता है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, ठीक है। अनिवार्य योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल शाखा में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता रहेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो देखो आलोक में उच्चतर योगधारी अभ्यर्थी तथा सिविल शाखा में BTEC BA उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अतिरिक्त योग्यता जो होगा आप लोग आगे देख सकते हो। अब देखो लेखा सहायक का अनिवार्य योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCOM ऑनर्स या सामान्य BCOM ऑनर्स में न्यूनतम वही सेम टू सेम 55% अंक होना चाहिए, लेकिन सामान्य BCOM उत्तीर्ण जिन्हें 55% से प्राप्त नहीं हुआ परंतु उन्होंने तत्पश्चात MCOM किया हो, तो वो आवेदन कर सकते हैं, वही कंडीशन है, ठीक है। देखो अब जो ये लोग का नियम है, 5 नंबर घटाने वाले, वो अपने मुताबिक कर लेगा वो लोग, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता ये होगा। इसके बाद देखो कंप्यूटर सहायक का एक पोस्ट है, अनिवार्य योग्यता इसका समझ लेते हैं, तो जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन होगा। अब देखो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, देखो यहाँ पे BSc कंप्यूटर ऑनर्स यदि होगा, तो आप लोग का BSc कंप्यूटर सामान्य है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, देख पा रहे हो BSc। इसके बाद चौथा नंबर क्या दिया, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA, ठीक है, उत्तीर्ण होना होगा, यदि आप लोग का ये होगा तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पे आके और भी देख सकते हो आप लोग, अतिरिक्त योग्यता बता देख लेना, अतिरिक्त योग्यता अपने मुताबिक, ठीक है। इसके बाद आखिरी देखो 6 नंबर पोस्ट, आखिरी पोस्ट है, ग्राम रोजगार सेवक का पोस्ट है, अनिवार्य योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट मतलब 12th या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI मतलब मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में प्राप्तांक प्रतिशत, मतलब देखो यदि आप लोग 12th पास हो तो डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा यदि 10th के साथ यदि ITI हो तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसका भी अतिरिक्त योग्यता है, आपने देख लेना, कोई भी यदि होगा इनमें से तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब देखो यहाँ बताया गया उपयुक्त वर्णित क्रमांक 1 से 6 तक सभी शैक्षणिक योग्यता
जिसकी सरकारी मान्यता मान्यता प्राप्त हो वही मान्य होगी, ठीक है। अब देखो वायु सीमा की बात करें तो देखो इतना तक आप लोग का 1-1 2023 से मतलब न्यूनतम आयु गिना जाएगा, 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, इतना तारीख को आप लोग का। अब देखो कोटी की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35 वर्ष उन लोग का मैक्सिमम आयु होना चाहिए, ठीक है, 18 से 35 वर्ष। वही ओबीसी की बात करें, चाहे ओबीसी हो कुछ भी, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, वो लोग का 37 वर्ष तक भर सकता है। और यदि कोई विकलांगता होगा जनरल में तो आप लोग का कितना, 45 वर्ष, और ओबीसी का यदि विकलांगता होगा तो 47 प्रतिशत मतलब 47 वर्ष, ठीक है। महिला यदि होगा तो आप लोग देख पा रहे 38 वर्ष, और विकलांग होगा तो 48 वर्ष। और SC ST को क्या है, चाहे पुरुष हो महिला हो, 40 वर्ष और इधर 50 वर्ष, ठीक है। तो आप लोग मतलब आके देख सकते हो इसमें, देख पा रहे हो महिला, महिला में क्या क्या जनरल का था, ओबीसी का था और ईडब्ल्यूएस का था, ठीक है, 38 वर्ष था। देखो इसके अलावा यदि भूतपूर्व सैनिक हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आप लोग 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मनरेगा वाला फॉर्म है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, आवेदक भारत का नागरिक हो तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताएगी, आप लोग देख लेना, आरक्षण का जो दावा कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है, और कोई भी मतलब सक्षम पदाधिकारी द्वारा आप लोग का निर्गत होना चाहिए। इसके बाद यदि आप लोग SC ST OBC से आते हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस के रूप में आप लोग दिए होंगे, तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा और आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अब नीचे समझो ये 9 नंबर टर्न पे देखो बहुत अच्छा अच्छा चीज बताया गया है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ये जितना पोस्ट है यहाँ बताया गया, देख पा रहे हो, ग्राम रोजगार सेवक के पद पे, यहाँ देखो, पद हेतु आवेदक के द्वारा किसी एक जिला में एक ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ ये शपथ पत्र मूल प्रति में देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया। तो आप लोग एक शपथ पत्र जो कि नीचे दिया गया है मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वो आप लोग को क्या होगा, एक नोटरी ऑफिसर से आप लोग को कराना होगा। क्या कराना है आप लोग को मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यदि ये उनका शपथ पत्र कभी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, यहाँ बताया गया, ठीक है। आवेदक देखो, आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार पदवार पृथक पृथक मूल शपथ पत्र के साथ आवेदन, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस ये कि अलग अलग आप लोग को शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। देखो और ये इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, आप लोग को एक चीज का रखना आधार पे होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा, ठीक है, यहाँ बताया गया है। अब देखो यहाँ पे एक प्रारंभिक सूची दिया जाएगा, ठीक है, मतलब शैक्षणिक योग्यता के घटते क्रम में, मतलब आप लोग का एग्जाम एग्जाम कुछ लेगा, इसके बाद प्रारंभिक मेगा सूची निकलेगा, जो आप लोग मेगा सूची में पास हो जाएगा उसके बाद वो लोग क्या दक्षा परीक्षा ली जाएगी, यहाँ बताया गया, ठीक है। अब ये PDF मैं दे दूंगा, जितना मैं डिटेल से बता सकता हूँ बता दूँ, इसके अलावा कुछ छूट जाता तो आप लोग आके देख सकते हो। प्रारंभिक चरण में इनकी नियुक्ता 1 वर्ष के लिए की जाएगी, ठीक है, तो पहला जो आप लोग का वर्ष होगा 1 वर्ष के लिए बताया जाएगा। इस काल विधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित मतलब एक नियुक्ति समिति के द्वारा आपका कार्य का समीक्षा किया जाएगा। यदि देखा जाएगा कि आप लोग का कार्य संशोधित पद पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए और संविदा के आधार पर आप लोग का नियुक्ति होगा, ठीक है, नवीनकरण किया जाएगा, मतलब पहला वर्ष आप लोग को पहला जो आप लोग होगा तो 1 वर्ष के लिए आपको देखा जाएगा। फिर यदि देखोगे कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग को फिर 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। फिर यदि देखेगा कि आप लोग अच्छा सब कुछ है तो आप लोग को समझ लो कि परमानेंट भी हो सकता है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब नीचे आते हैं, यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी, देखो यहाँ बोल रहा है कि कोई कार्यरत पदाधिकारी या आप जैसे आपका हो गया कर्मी, ऐसी नियुक्ति में मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप लोग 2-3 महीने बाद काम यदि आप लोग करके छोड़ना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ बताया गया कि आप लोग लिखित सूचना देना होगा 1 माह पहले, तो आप लोग आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन आवेदन के साथ आप लोग को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। मैं जिस दिन अप्लाई होगा उस दिन मैं प्रॉपर वीडियो ला के आप लोग बता दूंगा, ठीक है। जिला में उपलब्ध रिक्त विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारंभिक मेगा सूची के आवेदकों को प्रमाण पत्र का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्थिति सब जिनका जितना मतलब सूची मतलब मेगा सूची में नाम होगा, तो एक जो है गठित जिला मतलब इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा आप लोग का क्या होगा, सर्टिफिकेट का जांच होगा, ठीक है, यहाँ बताया गया। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है और समझ लेते, देखो ये जो ये साइड से आप लोग का क्या होगा, ये अप्लाई होगा जो कि आप लोग का कब से होगा, 13 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है, 13 तारीख से स्टार्ट होगा, आगे नीचे देखने को मिलेगा कहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तारीख को मैं प्रॉपर वीडियो ला दूंगा किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पलामू जिला का वेबसाइट में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, तो पलामू पलामू डॉट NIC डॉट ये वेबसाइट होगा, ठीक है, NIC डॉट NIC डॉट IN पे जाओगे तो भी आप लोग ये जो है सूचना मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग का ये साइट पे आप लोग अप्लाई होगा, मैं प्रॉपर वीडियो ला दूंगा किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यहाँ बताया गया 13-12 से आप लोग का अप्लाई होगा और 2-1-2024 तक आप लोग अप्लाई होगा, ये साइट से अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया गया है आवेदन के साथ इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड होगा, जो कि मैंने पहले बता दिया, फोटो लगेगा, वही सेल्फ अटेस्टेड, सरकारी प्रमाण पत्र से मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का प्रमाण पत्र, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मतलब जो आप लोग का अतिरिक्त योग्यता दोगे तो वो लगेगा, आरक्षण करोगे तो आप लोग का आवासीय जाति ये सब लगेगा। इसके अलावा देखो शपथ पत्र के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये देख लेना आप लोग, ये शपथ पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदक
आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। देखो एक शपथ पत्र बनाना होगा आप लोग को, कब से बनाना होगा, 13 तारीख के बाद का बनाना होगा। 13 तारीख से स्टार्ट करो तो ही, यदि 12 तारीख का बना लेते हो तो ये शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ बताया गया विज्ञापन प्रकाशन तिथि के साथ, ठीक है, प्रकाशन तिथि के साथ बोला गया, लेकिन आप लोग फॉर्म फिलअप का डेट से करो, ठीक है, 13 से आप लोग का होगा, ठीक है, 13 से 2 के बीच आप लोग बना लेना शपथ पत्र। कैसे बनाना है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। माने वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना होगा, यह बताया गया है। और जन्म जन्म तिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र देना होगा। और देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आप लोग सही फॉर्म फिलअप करोगे, देखो सभी अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में आप लोगों का क्या विचार नहीं किया जाएगा, तो ध्यान पूर्वक अच्छी क्वालिटी का आप लोग अपलोड करना है, तो मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। देखो और एक ये टर्म जो है बहुत ही अच्छा है, क्या है आप लोग समझ लेना, मुझे थोड़ा डाउट लगा, ठीक है। देखो जिन आवेदकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड, सीजीपीआ, डीजीपीआ, स्कोर कार्ड के अनुरूप में अंकित हो, यदि आप लोग का ग्रेड सीजीपीआ डीजीपीआ हो, तो उन आवेदक को अपने संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से प्रतिशत में अंतरण, मतलब प्रतिशत में अंक करा के, मतलब प्रतिशत में चेंज करा के आप लोग बोर्ड प्रमाण पत्र संग्रहित करना होगा। तो वो तो मैं समझा नहीं कि सर्टिफिकेट कैसे, मतलब डायरेक्ट खुद चेंज आप लोग कर सकते हो, ये क्या मतलब है मैं नहीं समझा, ये चीज आप लोग ध्यान लेना, ठीक है। वैसे आवेदक जिनका 5 वर्षीय, यहाँ पर देखो और एक कंडीशन है, 5 वर्षीय स्नातक जिनका था और एवं स्नातकोत्तर, तो एक इंटीग्रेटेड अंक प्रमाण पत्र हो, यदि होगा तो उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर को पृथक अंक के अंक प्रमाण पत्र प्रतिशत का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अनिवार्य होगा। तो ये भी देख लेना, ये स्पेशल केस है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, आवेदन एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं, इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा, यहाँ बताया गया, ठीक है। अधिक आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, किसी भी एक कार्ड का आपको देना होगा, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने टाइम, ठीक है। अब देखो आवेदन द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पे कोई आप लोग रद्द हो जाएगा, तो आप लोग सही डिटेल भरना है। देखो एक ये फॉर्म दिया गया आवेदक का, आवेदन पत्र का प्रपत्र, तो ये जो है यही आप लोग का सर, ये पूरा देखो यहाँ पे एक शपथ पत्र ये वाला है, और शायद ये भी आप लोग का शपथ पत्र में आएगा, ठीक है। ये भी आप लोग पूछ लेना, आप लोग नोटरी में जाके यदि कोई बनाया होगा, तो देखो ये शपथ पत्र ये बोला गया आप लोग को, ये पूछ लेना, ये जो पीडीएफ मैं भेज दूंगा आप लोग, जब आप वकील से जाओगे सर मुझे शपथ पत्र बोला गया है, क्या ये देखो एक शपथ पत्र ये प्रारूप है, क्या ये भी इसी के साथ डालना होगा, मेरे किसी शपथ पत्र जो बनाएगा ये भी लगेगा, ठीक है। तो मुझे जानकारी इसका नहीं है, ठीक है। तो शपथ पत्र एक है ये वाला, ये जो सेम टू सेम फॉर्मेट से आपको नोटरी द्वारा निर्गत करवाना है, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट ये बता दिया गया ये सब में, और आपको 13 तारीख के बाद कभी भी करा सकते हो। इस तरह से देखो विज्ञापन संख्या, पद का नाम, आपका नाम, पिता का नाम, एकदम अच्छे अच्छे अक्षरों में, स्थायी पता, वर्तमान पता, और ये भर देना है, मैं इतना पिता द्वारा इतना इतना पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये डिटेल्स आप लोग देख के साइन, यहाँ साइन कर लेना आप लोग को, और आप लोग इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो जिस दिन फॉर्म फिलअप होगा, स्टार्ट होगा, तो आप लोग को मैं प्रॉपर वीडियो बना के ला दूंगा। इसके अलावा यदि ये जो दो चीज है, क्या जो आप लोग शपथ पत्र बनाना पड़ता है ये भी लगता है या ये भी लगता है, यदि किसी को पता है तो जरूर मुझे कॉमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट्स कीजिएगा।